अब रेडी वेडी होकर निकल चुके अपनी मंदिर की ओर। मेन मंदिर जो है आगे, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जहाँ हमारा कैंप था। कैंप तो था नहीं, कॉटेज था, कॉटेज कैंप तो दूसरे थे। भागते हुए ऊपर बातचीत भी अपनी, बब्बी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, बुला रहे हैं ऊपर से, फोन आ रहे हैं कि आओ जल्दी आओ, एंट तुम्हारी एंट्री नहीं खड़े हैं हम। अब चलते हैं, लाइन वाइन में तो लगना नहीं है अपने, सिंपल सॉलिड सीन है। चलते चलो, चलते चलो, प्रसाद वरसाद लेते हैं और गाइस अपने प्रसाद वरसाद लेके अब चल रहे हैं। और दूर रही हूँ उससे थोड़ा, आवाज़ क्लैश करेगी। जल्दी चल, तू जल्दी चल, हट जल्दी चल, हट जल्दी चल, हट तो यार जल्दी चल कर रहे, लोग धक्का देके सुन जाऊंगा यार अब आगे। हाँ यार ये लाइन उज्जवल के पीछे पीछे रहो, खच्चर पे आएगा क्या उज्जवल? अब वेट कर रहे हैं वीआईपी लाइन में। और ये उधर उधर से आ रही है नॉर्मल वाली लाइन, ये है वीआईपी वाली लाइन। किस नाम से है? उज्जवल गाइस। अच्छा ये आईफोन दर्शन हो गए हैं और भीड़ देखो, ये वीआईपी वाले लाइन के लिए भी भीड़ है इतनी। अपने अब केदारनाथ टेम्पल के दर्शन तो हो गए हैं, अब जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर। ये है उसकी चढ़ाई और वो रहा टेम्पल। उज्जू व्हाट हैपेंड? भाई आ रहा है गाइस। चलते चलो, चलते चलो। और बोले विशेष नाचो नाचो, गाना बज रहा है दिल में, बज रहा होगा तुम्हारे तो। सही है सही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर लगभग होगा। चलते हैं हम, सब पहुँच चुके भैरव बाबा के मंदिर। बंदा है पूरा केदारनाथ टेम्पल। भवानी स्थिता नंदे स्कंद गणादि नारद सहिता
प्रभु। भैरव बाबा के मंदिर में मत्था टेक लिया, अब जा रहे हैं वापस, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर निकलेंगे वापस ट्रैक के लिए। रात हो जाएगी आज तो बिल्कुल ट्रैक, अभी 11:30 तो यहीं पर ही हो गए हैं। खाना खाना करते करते 12:30 तो ही जाएंगे अपने को, 12:30 फिर 7-8 घंटे और लगेंगे नीचे ट्रैक के लिए, फिर जाना घर। देखते हैं कब तक जाएंगे, पहले सोनप्रयाग पहुँचते हैं ट्रैक करके। चुकी है मैगी खाने की, पहाड़ पे हैं, मैगी तो खानी बनती है। अब इसके बाद ट्रैक शुरू करना है। सारंग भाई मैगी नहीं खा रहे, जब दोबारा रुक के फिर खाएंगे। चलो सही है, यहाँ पे खा ले रहे हैं, नीचे भी खाएंगे। कहाँ था ये जा रहा है पूरा रास्ता, हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं जा रहे हैं। अब अपना ट्रैक वापस शुरू हो चुका है, ये खच्चरों ने तो बहुत परेशान करके रख दिया है। ट्रैक इज ऑन गाइस, शॉर्टकट पे शॉर्टकट मारे जा रहे हैं, जल्दी जाना है तो कुछ ना कुछ। पहले तो कम शॉर्टकट लिए थे लेकिन अभी ये हमारे साथ तो इसके साथ ज़्यादा शॉर्टकट लेने पड़ते हैं हमें। ओ हो गया होगा यार 2 किलोमीटर ट्रैकिंग चालू है, थोड़ा बहुत तो अब शॉर्टकट मारना जरूरी है ही, क्या करें। हर हर शंभू, चलो चलते रहो शॉर्टकट मारते रहो, फटफट पहुँचो। 3 दिन के ग्रुप में चल रहे हैं, सारंग मैं और देवाशीष, बाकी उज्ज्वल बवेजा और विशेष आ रहे हैं पीछे पीछे हमारे से। अभी आगे चढ़ाई थोड़ी, अभी आगे चढ़ाई क्या कह रहा है, हट सारंग आगे से तो हटिया, दोबारा वंस मोर रोनाल्डो और मेसी विराट कोहली इज दी बेस्ट, आई शो स्पीड कहता है। चलते रहो मौज लेते रहो। S23 अल्ट्रा का फुल यूज हुआ जा रहा है, फ्रंट व्यू और बैक व्यू देखो दोनों एक साथ आता है, इसमें डायरेक्टर्स मोड है, सही सिस्टम है नहीं है। अब पियेंगे नींबू पानी और खाएंगे फिर मैगी, सारंग भाई सुबह ऊपर खाई नहीं थी तो अब दोबारा मंगाया मैगी उन्होंने, खाते हैं और फिर अब जाएंगे अपने दोबारा से ट्रैक चालू करने। थोड़े बहुत थक गए हैं, डिहाइड्रेट हो गए हैं सब के सब, भैया से मिलवा दिया वो तो वीडियो में। अच्छा भैया, ये भैया उड़ीसा से हैं, भैया से हाय टू द व्लॉग। अभी तक हमने इतना ट्रैक पार कर दिया पूरा, ये पूरा ट्रैक वो जहाँ पे लाइट चल रही है पूरी, पता नहीं कहाँ इसके पीछे ही है जस्ट, वो दिख रहा होगा शायद थोड़ा बहुत लेफ्ट में येलो येलो सा, लोग आ रहे हैं पूरे। 4 गिलास नींबू है, पूरे नेचुरल ग्लेशियर्स बह के आ रहे हैं, गंगा आ रही है पूरी ऊपर से बहते हुए, ठंडा पानी एकदम चिल्ड आता है, क्या सुन पड़े आते हैं हाथ धोते धोते ही। सो गाइस अब टीम थक चुकी है थोड़ी बहुत, थोड़े बजे व्लॉग्स फैल गए हैं यहीं पे ही रास्ते में। सारंग भाई कैसा चल रहा है, फुल एंजॉय हो रहा है एकदम, सब एंजॉय हो रहा है। ये कह रहा तेरा भी बैग उठा लेगा, मेरा भी उठाएगा, चल बढ़िया है फिर तो। कह रहा घोड़ा भाई 1 क्विंटल उठाएगा। अच्छा घोड़े वाले को कह रहा है खुद ही घोड़ा 1 क्विंटल खुद ही उठा, कह रहा मैं आपको ऊपर तक छोड़ देता हूँ आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ। है पूरे पूरे नक देख लो भैया, भाई के नक देख लो भाई, जाते हुए 22 किलोमीटर उठाया याद करो मेरे ही कंधे तक। हम तो 44 हो गया फिर ऐसे, तुम्हारा तो 24 किलोमीटर हो, 22 एक बार ही उठाया, 22 एक बार उठाया सामान, ये बैग अलग उठाया, स्पीकर अलग उठाया, व्यू चेक करते रहो बस। गाइस गाइस अब आ चुका है अपना नाश्ता, 5 बजे नाश्ता हो रहा है हमारा, क्यों भैया भाई क्या पानी, 5 बजे नाश्ता हो रहा है, क्या कर रहा है भाई यार। सो गाइस 1 घंटे बाद लिया फाइनली अपने ब्रेक, ब्रेक क्या पानी वानी पी रहे थे और बस पहुंचने वाले हैं, कितनी देर आएगी अपनों को, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे गौरीकुंड।
गौरीकुंड से अपने को करनी है टैक्सी सोन प्रयाग के लिए, फिर सोन प्रयाग से अपनी बस कहाँ के लिए, हरिद्वार के लिए, फिर हरिद्वार से फिर दोबारा बस। कल पहुँचेंगे दोपहर तक हम। अभी अपने सोन प्रयाग से लेकर हरिद्वार का रास्ता है कम से कम 10 से 12 घंटे का बस से, और कोई ऑप्शन है नहीं वहाँ पे, सिर्फ बस ही चलती है और बाकी टैक्सी। अब देखते हैं किस में जाते हैं, अगर टैक्सी सही पड़ेगी तो टैक्सी में चल देंगे, नहीं तो फिर जिंदाबाद है। बवैया ब्लॉग्स किस पे चलें? एरोप्लेन पे। एरो 2 मिनट का होगा, अभी तो 1 मिनट हुआ है। अभी तो ऊपर देखो टाइमर दिखा रहा है, ऊपर देखो गाइस टाइमर दिख रहा है आपको। अभी बस अब चलते हैं, 1-2 मिनट का ब्रेक लिया फिर चलते हैं, देखते हैं अभी नीचे जाके क्या हिसाब है गाड़ी का और उसका बस का। बस को तो पता है हमें टिकट कितने की है, गाड़ी का देखते हैं, अगर सही पड़ेगा तो गाड़ी पे चल देंगे अपना। और भाई अपने फाइनली पहुंच चुके हैं सोन प्रयाग और फिर से आ गए खाना खाने। कल बढ़िया लगा तो दोबारा से यहीं पे आ गए हैं। आज तो दर्द उठेंगे, ये आ गई है दाल तड़का हमारी, और अब आएगा और क्या मंगाया था हमने, कौन सा पनीर मंगाया था, मक्खन पनीर, और ट्राई करते हैं ट्राई करते हैं कैसा है। खाते पीते हैं चलते हैं अपने वापस हरिद्वार। अरे अरे हौली हौली बंगाली मिले वो बोले, कह रहा मुझे बंगाली कम समझ में आती है। तुझे आती है पूरी बंगाली समझ में? मैं तो बात ही नहीं कर रहा था, बात तो तू बंगाली में कर रहा था, बोल रहे पहाड़ी में उसमें। आंटी को हिंदी आती थी, अंकल को तो बंगाली में आती थी, बंगाली आंटी को बता दो। अरे अमित को भालभाषी यही तो होता है, और हमें सिर्फ यही पता है। और आज तक दाल भात भाल लाओ शो, मुझे तो ये भी नहीं पता। आज ही पूरी बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल क्या, आज ही सीखी है मुझे तो आधी नॉनसेंस। एक ये अंकल बोल रहे हैं इसको समझ आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या उन्होंने कहा था, समझ नहीं आ रहा, निकलो अजीब बातें करते हो। अरे ओल्ड ओल्ड थे अंकल, ओल्ड थे 5 साल बाद आते हैं हम। उन्होंने कब कौन उन्होंने 12 साल बाद आए हैं। 12 साल का था, कहता 12 में आए हैं, 18 में आए थे, 23 में आए हैं अंग्रेज, सुन तो लेता।